गुड मॉर्निंग टू ऑल। केपी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं एक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है पोजीशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की पोजीशन। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर विभिन्न प्रकार के जो प्रोसीजर करते हैं, विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशन करते हैं, उसके लिए अलग अलग पोजीशन प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। देखो यहाँ लिखा हुआ है पोजीशन एंड इट्स यूजेज, ठीक है ना। क्यों पोजीशन देते हैं, क्या उसका कारण है, कौन कौन सी कंडीशन में कौन सी पोजीशन देते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा पोजीशन के बारे में। आज अपन इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, पोजीशन। हेडिंग डालिएगा पोजीशन, पोजीशन। और पोजीशन के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पोजीशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके साथ साथ में अपन पोजीशन के पर्पज पढ़ेंगे, क्या पर्पज है, PURPOSE पर्पज पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द पोजीशन, कितने प्रकार की पोजीशन होती है उसके टाइप पढ़ेंगे, टाइप्स एंड यूजेज, उसके क्या यूजेज है, क्या उपयोग है, कौन सी कंडीशन में कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि एक मरीज हॉस्पिटल के अंदर आता है तो अपन सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो नर्स या डॉक्टर के द्वारा जो फिजिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है तो उस कंडीशन में पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। एक मरीज है, पेशेंट का ऑपरेशन होना है तो उस कंडीशन के अंदर वेरियस टाइप के ऑपरेशन होते हैं, उस ऑपरेशन के दौरान में भी क्या करते हैं, पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये जो आपको इमेज दिख रहा है, ठीक है ना, ये इस प्रकार की पोजीशन है, ये ऐसा लेटा हुआ है ना, थोड़ा बेड साइड पर क्या किया हुआ, ऑफर किया हुआ है, ये इस प्रकार से किया हुआ है, इस प्रकार से है। तो ये सारी है जो मरीज को किसी भी प्रकार की सर्जिकल प्रोसीजर, किसी भी प्रकार का फिजिकल एग्जामिनेशन करने के दौरान पेशेंट को ये पोजीशन प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आज अपन इस टॉपिक के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे सबसे पहले डेफिनेशन, पर्पस और टाइप्स, और उसके इसके बाद में पढ़ेंगे यूजेज। तो ये पोजीशन का आपका जो ये वाला जो आज वीडियो रहेगा वो पार्ट फर्स्ट रहेगा, और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आएगा वो सेकंड रहेगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप पार्ट फर्स्ट और सेकंड पढ़ना न भूलें। केफी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस आपको थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ में प्रैक्टिकल पार्ट को भी सॉल्व करवाता है। इस कंडीशन के अंदर पूरा थ्योरी का पार्ट भी आपको यहां पे सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपने पोजीशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफाइन द पोजीशन, पोजीशन क्या है। हेडिंग डालिएगा पोजीशन, पोजीशन की सबसे पहले अपन क्या पढ़ने वाले हैं, डेफिनेशन, क्या पढ़ने वाले हैं, डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले पोजीशन का डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके साथ साथ में उसके क्या पर्पज है उसके बारे में पढ़ेंगे, पर्पज क्या है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में टाइप्स ऑफ द पोजीशन, कितने टाइप्स की पोजीशन होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और कुछ पोजीशन हैं वो अपन पार्ट फर्स्ट के अंदर लिया हुआ है। उसके बाद में जो इसके बाद में जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो अपन पढ़ेंगे पोजीशन सेकंड के अंदर, सॉरी पार्ट सेकंड के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा पोजीशन, पोजीशन के अंदर लिखा हुआ है डेफिनेशन के अंदर देखिएगा दिख रहा है आप लोगों को, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हेडिंग डालिएगा पोजीशन, अब देखिएगा पोजीशन के अंदर लिखा हुआ है प्लेसिंग द पर्सन इन ए प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ, है ना। तो इसके अंदर क्या है कि आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर जो पोजीशन देते हैं एक प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट करने के लिए जो क्या पर्पज रहता है, प्रिवेंटिव क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ, है ना। हेल्थ के फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए ये पोजीशन प्रोवाइड करवाई जाती है। द मैनर इन विच द बॉडी इज अरेंजमेंट एज बाय द नर्स या फिजिशियन फॉर द एग्जामिनेशन, है ना। तो एक नर्स या फिजिशियन के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए कोई भी जो पोजीशन प्रोवाइड करवाई जाती है।
तो एक बॉडी का प्रॉपर अलाइनमेंट के द्वारा, है ना, बॉडी का एक प्रॉपर अलाइनमेंट के द्वारा मरीज का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है नर्स या फिजिशियन, नर्स या डॉक्टर के द्वारा, ठीक है ना। तो ये होती है पोजीशन। पोजीशन के अंदर जैसे मरीज आया, उसको एक सीधा लेटा हुआ है ना, वो मान लीजिए मरीज को बोलते हैं कि कंफर्टेबल पोजीशन दिलाना है, तो उसको आराम से लेटने के लिए बोलेंगे। दूसरा है कि मरीज खड़ा है, तो ये क्या हो गया, स्टैंडिंग पोजीशन हो गया। मरीज चेयर पे बैठा है, तो ये क्या हो गया, सिटिंग पोजीशन हो गई। तो उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, विभिन्न प्रकार की सर्जरी करने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या देते हैं, पोजीशन प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। तो उसके बाद में अपन बात करते हैं पर्पज की बात करते हैं। सबसे पहले पर्पज की बात करते हैं, देखिएगा क्या पर्पज है कि इस प्रकार की पोजीशन है वो मरीज को क्यों प्रोवाइड करवाई जाती है। तो एक बार पर्पज की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है फॉर रेस्ट एंड इंड्यूज स्लीप, है ना, रेस्ट के लिए मरीज को आरामदायक पोजीशन देते हैं, क्योंकि मरीज को मरीज क्या है, मरीज बीमार है, तो उस कंडीशन के अंदर वो परेशान रहेगा, परेशान रहेगा तो विभिन्न प्रकार के जो बॉडी के अंदर जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। वाइटल साइंस जो है नॉर्मल है वो क्या हुआ, बढ़ जाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर क्या प्रोवाइड करवाया जाता है, रेस्ट के लिए और स्लीप के लिए, है ना। पोजीशन क्यों देते हैं, फॉर रेस्ट, आराम करने के लिए और नींद को लेने के लिए क्या देते हैं, पोजीशन प्रोवाइड करवाई जाती है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है, पर्पज है फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज, किसके लिए, डायग्नोस्टिक पर्पज मतलब कोई भी किसी भी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर मरीज को पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद में है फॉर थेरेप्यूटिक पर्पज, थेरेप्यूटिक का मतलब हुआ ट्रीटमेंट देना, है ना, थेरेप्यूटिक का मतलब क्या है ना, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट करना, तो ट्रीटमेंट के दौरान विभिन्न प्रकार की पोजीशन प्रोवाइड करवाई जाती है। फॉर टू प्रिवेंट बेड शोर, है ना, बेड शोर को रोकने के लिए, बेड शोर क्या होता है, एक बिस्तरीय घाव होता है, क्या होता है, बिस्तरीय घाव होता है, बिस्तरीय घाव, है ना, बिस्तरीय घाव हो जाता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं बेड शोर के बारे में कि बेड शोर क्या है। आपने देखा होगा कि लंबे समय तक पेशेंट एक ही पोजीशन के अंदर बेड पे लेटा रहता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो लेटा रहता है तो लोअर पार्ट के अंदर जो पार्ट होता है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, और उस प्रेशर पड़ेगा तो उस कंडीशन में वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, और वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो उस कंडीशन के अंदर वहाँ पर घाव होने की संभावना रहती है, तो उसको बोलते हैं बेड शोर। तो बेड शोर के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि जब मरीज लंबे समय से, है ना, लॉन्ग टाइम से ही एक ही पोजीशन के अंदर लेटा रहता है, एक ही पोजीशन के अंदर लेटा रहता है, तो वहाँ के लिए जो ब्लड सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, और डिस्टर्ब हो जाने की वजह से वहाँ पे अल्सर हो जाता है, और अल्सर होता है तो ये इस प्रकार के अल्सर को क्या बोलते हैं, बेड शोर बोलते हैं, है ना, इस प्रकार के अल्सर को क्या बोलते हैं, बेड शोर बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेड शोर के अंदर भी अपने बात करेंगे क्या होते हैं बेड शोर, कैसे होते हैं, कितना डिग्री पे होता है, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, उसके बारे में भी अपन बाद में बात करेंगे। तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो पेशेंट है बेड रिटन पेशेंट होते हैं, लंबे टाइम से आईसीयू के अंदर ऑपरेशन, जो आईसीयू के अंदर जो पेशेंट रहते हैं तो एक ही पोजिशन में रहते हैं, तो वहां पर जो लोअर पार्ट में जहां पर प्रेशर पड़ेगा उस जगह पर क्या होगा कि ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वहां पे स्किन है वो रफ्सर हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगी, वहां पे घाव बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो बेड शोर होता है तो उस कंडीशन में बेड शोर को रोकने के लिए क्या करते हैं, पोजीशन प्रोवाइड कराई जाती है, पोजीशन प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये है क्या है अपने ये है पोजीशन का पर्पज, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं टू स्टिमुलेट द ब्लड सर्कुलेशन, है ना, ब्लड सर्कुलेशन है उसको स्टिमुलेट कराने के लिए, और टू प्रिवेंट डिस्पनिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बेड श्योर है, डिस्पनिया का मतलब क्या हुआ, डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथ, है ना, सांस में तकलीफ लेने में, सांस लेने में दिक्कत होती है, उसको बोलते हैं डिस्पनिया, है ना, डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग, ठीक है ना, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग।
तो सांस लेने में तकलीफ होते हैं उन मरीजों को क्या है कि एक प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं जो लंबे समय से जो अस्थमा वाले होते हैं, तो उनको क्या करते हैं सीधा नहीं लेटाते हैं उसको, ये बेड वाला ना, मान लीजिए ये बेड है, उस बेड पे सीधा नहीं लेटाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं मरीज को क्या करते हैं हेड साइड से थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इस प्रकार से कर देते हैं ताकि यह जो एयर का पेटेंट है ना वो बना रहे। तो इस प्रकार से ये जो पोजिशन है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो पर्पज का बात करें तो कौन कौन सा पर्पज है, सबसे पहले पर्पज की बात करें तो इस कंडीशन में आराम करने के लिए, नींद को प्रेरित करने के लिए, कोई भी ट्रीटमेंट करने के लिए, डायग्नोस्टिक करने के लिए, बेड शोर को रोकने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करने के लिए, और डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग सांस में तकलीफ होती है उनको रोकने के लिए पोजिशन प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अभी अपने क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा, उसके बाद में पोजीशन के क्या पड़े, पर्पस पड़े। अब बात करते हैं पोजीशन के टाइप्स, कितने टाइप्स की पोजीशन होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ पोजीशन, हेडिंग डालिएगा टाइप ऑफ पोजीशन, हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ द पोजीशन। तो कितने प्रकार की पोजीशन होती है, पोजीशन वेरियस टाइप की होती है, बहुत प्रकार की जो पोजीशन होती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ द पोजीशन। तो पोजीशन के अंदर सुपाइन पोजीशन होता है, प्रोन पोजीशन होता है, लेटरल पोजीशन होती है, फाउलर पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन, टेंडरलैंडबर्ग पोजीशन, ऑर्थोपनिक पोजीशन, सिम्स पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन और सिटिंग पोजीशन और रेक्यूबेंट पोजीशन होती है। तो ये जो पोजीशन है मोस्टली हॉस्पिटल के अंदर जो मरीज है उनको दी जाती है, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो टाइप्स की पोजीशन की बात करें तो ये सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, लेटरल पोजीशन, फाउलर पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन, टेंडरलैंडबर्ग पोजीशन, ऑर्थोपनिक पोजीशन, सिम्स पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन और सिटिंग पोजीशन और लास्ट में जो है डोर्सल पोजीशन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये पोजीशन प्रोवाइड कराई जाती है। देखिएगा सेमी रेक्यूबेंट पोजीशन, ठीक है। तो ये टोटल 12 पोजीशन होती है जो मोस्टली यूज होती है। अब अपन बात करेंगे कि ये इस पोजीशन, ये जो जितने भी पोजीशन है उस पोजीशन के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, उस पोजीशन के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं कि पोजीशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले पोजीशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे कि किस हिसाब से मरीज को लेटाया जाता है, सुपाइन पोजीशन में कैसे होता है, प्रोन पोजीशन में कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में कब दी जाती है ना, कौन सी कंडीशन में मरीज को ये पोजीशन दी जाती है, कौन सी कंडीशन में ये पोजीशन दी जाती है, यही यहाँ से ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अपीयर होते हैं कि सुपाइन पोजीशन क्या होती है। अब एक थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन करते हैं इसके अंदर, फिर अपन एक एक पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिएगा सुपाइन पोजीशन, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इमेज दिखाता हूं, उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं कि पोजीशन के बारे में। देखिएगा देखिएगा पोजीशन, सबसे पहले पोजीशन आप डालिएगा सुपाइन पोजीशन, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा सुपाइन पोजीशन के बारे में। सुपाइन पोजीशन की बात करें तो मरीज जो ये वाला लेटा हुआ है, ये वाला है, ये पोजीशन क्या है, सुपाइन पोजीशन है। सुपाइन पोजीशन आल्सो नॉन एज ए, सुपाइन पोजीशन को किस नाम से जाना जाता है, हॉरिजॉन्टल रेक्यूबेंट या डोर्सल पोजीशन, है ना। किस नाम से जानते हैं, हॉरिजॉन्टल रेक्यूबेंट या डोर्सल पोजीशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। डोर्सल पोजीशन, एक क्वेश्चन आपका यहां बनता है कि हॉरिजॉन्टल, देखिएगा हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है कि सीधा, है ना, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपाइन पोजीशन, हेडिंग डालिएगा सुपाइन पोजीशन, एक नंबर पे जो पोजीशन थी उसके बारे में। अब देखो आपको इमेज से भी दिख रहा है कि ये मरीज क्या हुआ है, सीधा लेटा हुआ है, मरीज क्या है, सीधा लेटा हुआ है। तो सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, आल्सो नॉन एज, है ना, ALSO, आल्सो
नॉन एज किस नाम से जानते हैं, हॉरिजेंटल रेक्यूबेंट या डोर्सल पोजीशन के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मरीज है वो किस हिसाब से लेटा हुआ है ना, वो कैसे लेटा हुआ, लाइंग ऑन द बैक है ना, एल वाई आई एन जी लाइन ऑन द बैक, कैसे लेटा हुआ है, बैक यानी पीठ के बल पे लेटा हुआ है, मरीज है वो पीठ के बल पर बिस्तर पर लेटा होता है ना, पीठ के बल पे लेटा हुआ बिस्तर पर लेटा हुआ होता है ना, पीठ के बल पे लेटा हुआ होता है। तो मरीज कैसे लेटा हुआ है, पीठ के बल पे है ना, जो बैक साइड में है ना पीठ है उसके बल पे लेटा हुआ होता है। उसकी जो टांगे होती है वो स्ट्रेट होती है, दोनों ही टांगे क्या होती है, स्ट्रेट होती है। दूसरा होता है मतलब दोनों ही टांगे सीधी होती है, उसके साथ साथ में टांगे होती है वो आपस में पास पास में होती है, ऐसा नहीं है कि दूसरी फैली हुई होती है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या रखना है कि मरीज है वो पीठ के बल पे लेटा हुआ है, सुपाइन पोजिशन के अंदर होगा तो मरीज किसके बल पे लेटा हुआ है, पीठ के बल पे लेटा हुआ है। दूसरा मरीज की जो टांगे हैं वो सीधी है, उसके बाद में जो टांगों के बीच में गैप है वो ज्यादा नहीं है, पास पास में होती है। यदि उनको कंफर्ट पोजीशन की रिक्वायरमेंट है वो, तो उस कंडीशन में ये टांगे हैं घुटनों से क्या है वो हल्की सी मोड़ सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, क्वेश्चन ये आता है कि एक मरीज पीठ के बल पे लेटा हुआ है, एक मरीज जो बैक साइड से लेटा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में उस पोजीशन को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको क्या किस नाम से जाना जाएगा, सुपाइन पोजीशन के नाम से जाना जाता है। तो मरीज पीठ के बल पे लेटा हुआ है तथा उसका जो फेस है वो फेस कहां पे है, ऊपर की तरफ है ना, अपवार्ड की तरफ है, ठीक है। तो ये है अपन के सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन का दूसरा नाम है हॉरिजॉन्टल रेक्यूमेंट पोजीशन या डोर्सल पोजीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से बनता है कि मरीज की डेफिनेशन के अंदर है कि मरीज किस पोजीशन के अंदर लेटा रहता है, कैसे लेटा रहता है, तो बैक वाइड लेटा रहता है, मतलब पीठ के बल पे लेटा रहता है। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो ये आपका पोजीशन है, जो कौन सी पोजीशन है वो है सुपाइन पोजीशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं पोजीशन के बारे में, इसके यूजेस की बात करें कि इस प्रकार से मरीज को क्यों किसके लिए लेटाया जाता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले उनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि इसके लिए किस लिए लेटाया जाता है। देखिएगा, सबसे पहले इसको आपने देखा होगा कि ये जो मरीज लेटा हुआ है वो किस बल पे लेटा हुआ है, पीठ के बल पे लेटा हुआ है। देखिएगा सुपाइन पोजीशन जिसके अंदर मैंने आपको बताया था, सुपाइन पोजीशन जिसके अंदर मैंने क्या बताया था कि मरीज को सुपाइन पोजीशन का जो दूसरा नाम है, थ्योरी की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल रेक्यूमेंट पोजीशन है या डोर्सल पोजीशन के नाम से जाना जाता है, ये एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा, मरीज अपने बिस्तर पर पीठ के बल पे सीधा लेटा रहता है, ठीक है ना, किसके बल पे लेटा रहता है, पीठ के बल पे लेटा रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में लाइंग ऑन द बैक विद द फेस अपवर्ड है ना, वो बैक इस प्रकार से लेटा रहता है और उसका जो फेस रहता है वो क्या रहता है, अपवर्ड की तरफ रहता है, ठीक है। उसके बाद में मरीज की टांगे सीधी एवं मिली हुई होती है, ठीक है ना, टांगे जो होती है वो सीधी स्ट्रेट होती है और मिली हुई होती है। इस प्रकार की जो पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं, मैंने आपको इमेज में प्रीवियस दिखाया था कि टू असेस द वाइटल साइन है ना, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई के अंदर डाल दीजिएगा। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि एक मरीज है उसका वाइटल साइन का मतलब क्या हुआ, बीपी, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन है ना, तो ये जो प्राण मूलक चिन्ह होते हैं, बीपी है, पल्स है, रेस्पिरेशन है, टेम्परेचर है, तो ये चेक करने के लिए कौन सी पोजीशन देते हैं, उस मरीज को सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है टू असेस द वाइटल साइन, तो वाइटल साइन के लिए कौन सी पोजीशन देते हैं, कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, तो कौन सी पोजीशन देंगे, सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। उसके साथ साथ में जो मरीज है उनको
टू फिजिकल एग्जामिनेशन, किसके लिए? फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए ये पोजीशन प्रोवाइड करवाई जाती है, फिजिकल एग्जामिनेशन। अब फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर भी बात करें तो विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे सुपाइन पोजीशन है, सीधा लेटा हुआ है, इस कंडीशन के अंदर फेस भी अपवर्ड की तरफ है, तो ऐसी कंडीशन में हेड है ना, जो हेड वाला पार्ट है उसको, नेक वाला, गर्दन वाला पार्ट है उसको करेंगे। एंटीरियर थोरेक्स, मतलब थोरेक्स का जो ये वाला पार्ट है ना, एंटीरियर थोरेक्स, इस वाले पार्ट का भी अपने एग्जामिनेशन कर सकते हैं। लंग्स का और हार्ट का है ना, लंग्स है, हार्ट है, ब्रेस्ट है, एब्डोमिनल है, तो और एक्सट्रीमिटीज है, उसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर आपको ध्यान रखने वाली योग्य बातें हैं, कौन कौन सी बातें हैं कि सुपाइन पोजिशन के अंदर, सुपाइन पोजिशन के अंदर मरीज किसके किसके बल पे लेटता है, पीठ के बल पे लेटता है, बैक के बल पे लेटता है, ठीक है। दूसरा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वाइटल साइन चेक करने के लिए फिर अपने क्या करते हैं, सुपाइन पोजीशन देते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन जो कि हेड, नेक, एंटीरियर थोरेक्स, लंग्स, हार्ट, ब्रेस्ट, एब्डोमिनल और एक्सट्रीमिटीज की जाँच के लिए किया जाता है। तो ये है आपका सुपाइन पोजिशन। तो सुपाइन पोजिशन के बारे में इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पोजिशन जो है, हेडिंग डालिएगा, दूसरा पोजीशन जो है प्रोन पोजीशन, जस्ट विपरीत सुपाइन पोजीशन। मैंने इमेज के अंदर दिखाया था कि एक तो मरीज है वो सीधा लेटा हुआ था और एक सीधा क्या लेटा हुआ था, उल्टा लेटा हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं जो मरीज के प्रोन पोजीशन के बारे में बात करते हैं, तो देखिएगा प्रोन पोजीशन, हेडिंग डालिएगा प्रोन पोजीशन, और प्रोन पोजीशन के अंदर अपन क्या बात करने वाले हैं कि सबसे पहले उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्या डेफिनेशन है, उसके बाद में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, उसकी अपने किस प्रकार की पोजीशन किस में देते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ए पोजीशन इन विच द पेशेंट इज लाइंग, किस हिसाब से लेटा हुआ है, पोजीशन इन द इज लाइंग फेस डाउनवर्ड ऑन एब्डोमिनल, ठीक है ना। तो देखिएगा जो ऑन एब्डोमिनल है ना, वो किसके बल पे लेटा हुआ है, वो पेट के बल पे लेटा हुआ है, किसके बल पे, पेट के बल पे, पेट के बल पे मरीज जो लेटा हुआ है वो पेट के बल पे लेटा हुआ है, मरीज हुआ है वो पेट के बल पे लेटा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो उसके अंदर क्या है कि फेस है वो डाउनवर्ड है, फेस है वो नीचे की तरफ रहे और फेस को वो क्या करेगा, एक साइड में मोड़ देगा, ठीक है ना। तो ऐसी इस प्रकार की पोजीशन जिसके अंदर मरीज है वो पेट के बल पे लेटता है, पहले क्या लेट रहा था, पीठ के बल पे लेट रहा था, और अभी किस बल पे लेट रहा है, पेट के बल पे लेट रहा है, ठीक है ना। तो ऑन एब्डोमिनल के बल पे जो लेटता है कौन सी पोजीशन है, प्रोन पोजीशन होती है, ठीक है ना। अब इतना आपको इसमें याद रखना है। दूसरा बात करते हैं कि इनके अंदर जो पोजीशन क्यों देते हैं, फॉर ऑपरेशन एंड इंजरी ऑफ बैक, है ना। कोई भी ऑपरेशन हुआ है, जैसे कि अपने बैक साइड का कोई भी ऑपरेशन हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर, दूसरा है कोई बैक साइड की कोई इंजरी हुई है, बर्न हुआ है, जला है, या बेडशोर हो गया है, तो उसके लिए ये पोजीशन प्रोवाइड करवाई जाती है। उसके बाद में रिलीव प्रेशर ऑन फ्रॉम बेडशोर एरिया ऑफ बैक, है ना, जो बेडशोर हो गया है बैक एरिया के अंदर, तो ऐसी कंडीशन के अंदर प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करवाई जाती है। फॉर द रेस्ट, है ना, रेस्ट प्रोवाइड देने के लिए, एक टाइम में लंबे टाइम तक ऐसे सुपाइन पोजीशन में या लेटरल पोजीशन में सोया रहेगा तो उस कंडीशन में बेडशोर होने की संभावना रहती है, तो आराम करने के लिए यह भी पोजीशन प्रोवाइड करवाई जाती है। टू असेस द पोस्टीरियर थोरेक्स, एंटीरियर थोरेक्स किसके अंदर था, सुपाइन पोजीशन के अंदर था, और पोस्टीरियर थोरेक्स किसके अंदर है, ये है अपने प्रोन पोजीशन के अंदर। हिप असेस पोस्टीरियर थोरेक्स एंड हिप जॉइंट इन बर्न केस, है ना, बर्न केस के अंदर जो हिप जॉइंट है उसका जो जल जाता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये पोजीशन प्रोवाइड करवाई जाती है। टू अवॉइड एस्पिरेशन आफ्टर सर्जरी ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द एनेस्थेसिया, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी सर्जरी करते हैं तो उस सर्जरी के बाद में जो मरीज है वो सर्जरी के दौरान क्या देते हैं, यूज करते हैं एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया के अंदर क्या
क्या होता है कि मरीज बेहोश हो जाता है, अनकंशियस हो जाता है, और उसके बाद में मरीज को क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। तो ऑपरेशन करने के बाद में जस्ट क्या करते हैं कि मरीज को प्रोन पोजिशन देते हैं। क्यों पोजिशन देते हैं कि मरीज है वो अनकंशियस है, बेहोशी की कंडीशन में है, तो उस कंडीशन के अंदर अपने माउथ से निकलने वाला सीक्रेशन है वो एस्पिरेट कर सकता है, निगल सकता है, वो फेफड़ों के अंदर जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर इस प्रकार की जो पोजीशन देंगे, प्रोन पोजीशन देंगे, माउथ नीचे की तरफ रहेगा, एक साइड में लगेगा, तो ऐसी कंडीशन के अंदर लार जो आएगी वो बाहर की तरफ जाएगी। एस्पिरेट का मतलब क्या है, अंदर नहीं जाएगी, फेफड़ों के अंदर नहीं जाएगी। तो टू अवॉइड एस्पिरेशन, अवॉइड एस्पिरेशन है ना, कोई भी एस्पिरेशन को अवॉइड करने के लिए कब, आफ्टर सर्जरी ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया देते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि एस्पिरेट होने की संभावना रहती है, क्योंकि पेशेंट अनकंशियस कंडीशन में रहता है, जब होश में आ जाएगा तब तो वो अपने निकलने की प्रक्रिया नॉर्मल हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक मरीज है, उसको एक मरीज है, इसका सर्जरी हुआ है, सर्जरी के बाद में जस्ट कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे, तो टू अवॉइड एस्पिरेशन, एस्पिरेशन को रोकने के लिए जो प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये थी अपने प्रोन पोजीशन इसके बारे में। तो इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है कि मरीज किसके बल पे लेटता है, पीठ पेट के बल पे लेटेगा। दूसरा है मरीज को कौन कौन सी कंडीशन में क्या पोजीशन देते हैं। तो एक तो आपको ध्यान रखना है, एक क्या ध्यान रखना है कि कोई भी ऑपरेशन है, इंजरी हुई है, बेड शोर को रोकने के लिए, रेस्ट के लिए, और ये जो हिप जॉइंट बन का हिप जॉइंट हो गया उस कंडीशन में, और कोई सर्जरी हुई है उसमें एस्पिरेट को अवॉइड करने के लिए ये पोजीशन प्रोवाइड कराई जाती है। अब देखिएगा प्रोन पोजीशन की थोड़ी सी मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। देखिएगा ये जो सेकंड जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है, ये आपने है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन के अंदर मरीज जो लेटा हुआ है वो पेट के बल पे लेटा हुआ है, जो आपको इमेज के अंदर देखने को मिल रहा है। ये भी इसकी जो टांगे हैं वो सीधी है। दूसरा है जो हेड है वो क्या है, जो डाउनवर्ड की तरफ है, कैसे है, डाउनवर्ड की तरफ है, और एक साइड में क्या है, करवट दिला के रखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार की मरीज को जो लेटाने के लिए बोलते हैं, तो इस कंडीशन के अंदर या मान लीजिए बटेक साइड में बेड श्योर हो रखा है, या पीठ पे कोई बर्न वर्न है उस कंडीशन के अंदर है, या हिप जॉइंट है उस हिप जॉइंट की कोई भी सर्जरी हुई है या जल गया है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये पोजीशन दिया जाता है। जो ये पोस्टीरियर जो थोरेक्स है उस पार्ट का भी एग्जामिनेशन करने के लिए ये प्रोन पोजीशन दी जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन थी, उसके बारे में आज अपने बात किया। तो आज अपने जो बात किया है वो कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन थी, उस पोजीशन के बारे में बात किए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, और आपको ये वाला टॉपिक है वो अपने पार्ट सेकंड के अंदर मैं आपका कंप्लीट करूंगा कि हॉस्पिटल के अंदर विभिन्न प्रकार की जो पोजीशन देते हैं, जिसके अंदर आपने आज जो पढ़ा है वो दो पोजीशन के बारे में डिटेल से बात कर ली है, और नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे तो वो रिमेनिंग जितने भी पोजीशन होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।